हेलो स्टूडेंट, क्लास 10 लॉकडाउन का मजा ले रहे हैं। थोड़ा ये वीडियो आपको दे रहा हूँ, ठीक है। याद है सर्कल वाली थ्योरम, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस दैट इज सबटेंड ऑन द रिमेनिंग पार्ट। उसका थ्योरम एक बार देखते हैं वापस। अपनी टेक्स्ट बुक की थ्योरम है 12.8, आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के देख सकते हैं। The theorem which is going to be proved, angle subtended by an arc on center is twice the angle which is subtended on the remaining part. Is twice, ये प्रूव कर रहा है और ये अपने को गिवन है। तो एंगल सबटेंडेड बाई एन आर, एक आर गिवन है ऑन सेंटर, मतलब एक सर्कल गिवन है। तो एक पहले फिगर बना लेते हैं। हमारे पास एक सर्कल, याद रखिए थ्योरम में आधा गिवन है आधा टू प्रूव है, और कुछ कंस्ट्रक्शन मिला ले थ्योरम प्रूव हो जाती है। थ्योरम को प्रूव करना बहुत आसान है और फिक्स क्वेश्चन आपका 6 नंबर का बनता है। तो गिवन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑन सेंटर, हमने एक सर्कल ले लिया, सर्कल का सेंटर हो गया। इस सर्कल में एक आर्क डिफाइन कर लेते हैं। आपको समझने में और मेरे को समझाने में आसानी रहेगी। तो फिगर कुछ ऐसा लेगा, वरना आप अपने मर्जी का कोई फिगर बना सकते हैं। मैं इस आर्क की बात कर रहा हूं। अगर देखा जाए ये माइनर आर्क कहलाएगा, क्यों? क्योंकि छोटा है। ए बी आर्क ए बी, और इधर से देखे आर्क की ए बी है, तो ये माइनर हो गया, ये मेजर हो गया। अगर मैं माइनर आर्क की बात कर रहा हूं, माइनर ए बी में सेंटर एंगल ये बना रहा। अगर मैं इस आर्क की बात करूं तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल ये वाला कहलाएगा। गॉट माय पॉइंट? कौन सा? ये वाला बड़ा वाला आर्क, ये वाला। ओके, तो इस आर्क का रिमेनिंग पार्ट का भी हम लोग एंगल बना लेते हैं। एंगल बनाने का क्या मतलब? सिंपल सी बात, इस आर्क पे कोई एक पॉइंट ले ले, ए और बी से जॉइन कर ले। तो इस एबी आर्क में सेंटर पे जो एंगल बना है वो एओबी एड्रेस होगा, और इस पॉइंट बी पे जो एंगल बना है एपीबी होगा। तो हमें प्रूफ क्या करना, सेंट्रल एंगल इज ट्वाइस ऑफ दिस। तो गिवन हमारा क्या लिखा जाएगा? गिवन फर्स्ट सर्कल विद सेंटर ओ, सेकंड गिवन आर्क ए बी। आर्क ए बी ऐसे लिखे, नहीं तो आप ए बी लिखे ऊपर सिंबल बना सकते हैं आर्क का, दोनों तरीका, जैसे मैंने आपको क्लास में डिस्कस किया हुआ। हमारा टू प्रूफ क्या है? याद रखिए थ्योरम के इसके बाद वाला पार्ट हमेशा टू प्रूफ। प्रूफ करना है इस ट्वाइस, जो रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बन रहा है वो ट्वाइस है एंगल एट सेंटर। Twice the angle which is subtend on the remaining part of center. तो इस आर्क में सेंटर पर एंगल बना ए और बी, और रिमेनिंग पार्ट में ए पी भी बना रहा है। तो टू प्रूफ हमें करना है एंगल ए और बी इज ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी बी। तो ये हमारी थ्योरम की लिटरली मीनिंग है, ये प्रूव करनी। और जैसा कि थ्योरम, कोई भी थ्योरम हो, 99.9% उसमें कंसेप्शन होता है। तो थ्योरम याद करने के लिए सबसे पहली चीज, मैं क्लास में आपको बोलता था कंस्ट्रक्शन याद रखो। कंस्ट्रक्शन इज सेंटर पॉइंट ऑफ ऑल थ्योरम, क्योंकि उससे आपको कंस्ट्रक्शन याद है, क्यों किया है तो याद रहेगा, तो आप उसका यूज भी कर लोगे आपके थ्योरम में। थ्योरम भूलोगे नहीं, कंस्ट्रक्शन याद रखना जरूरी है। तो कंस्ट्रक्शन हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पी को ओ से डिनोट कर ज्वाइन करेंगे और प्रोड्यूस कर देंगे जो आगे चल के सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है एट बी। आप नहीं करा तो यहां तक भी छोड़ सकते हैं, पर फिगर थोड़ा क्लियर आएगा, मेंशन करने में बात आसानी रहेगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पे इस एंगल के दो पार्ट बने, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये हो गया। हमें एंगल बी पूरा है, मैंने बी के दो पार्ट कर लिए, तो मैं प्रूफ कैसे करूंगा? देखिए कुछ नेमिंग कर लेते हैं, नेमिंग से प्रूफ आसान हो जाएगा। मैं इस पार्ट का एंगल वन बना रहा हूं, इसको बना रहा टू, इस वाले एंगल को बना रहा हूं थ्री मान रहा हूं, इसको फोर, ये मेरा एंगल, ये वाला एंगल मेरा फाइव हो गया और ये वाला एंगल सिक्स हो गया। नेमिंग से करने से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, पूरा नाम ए ओ बी करके लिखे या एंगल फाइव प्लस सिक्स करके प्रूव करना थोड़ा आपको इजी लगेगा। तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट पी एंड ओ
प्रोड्यूस, ये चीज आप लिखेगा लिखे चलेगा, प्रोड्यूस पीओ पीओ टू डी, ये आप ऑमिट कर सकते हैं, सिंपल लिखिए जॉइंट पी एंड ओ, क्योंकि इस साल मैं मान के चल रहा ये थ्योरम आएगी, मान के चल लग रहा दिल कह रहा है कि ये थ्योरम आएगी, इसलिए मैं पहला वीडियो इसी पे बना रहा हूं। ओके प्रूफिंग चल, थोड़ी इस थ्योरम में आपकी क्लास 9 की बेसिक यूज होगी, कौन सी बेसिक होगी, पहली बेसिक ये यूज हो रही है, अगर किसी ट्राइंगल में याद रखिए ये बेसिक यूज होगी, अगर इस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है, इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, तो 9 क्लास में आपने थ्योरम पढ़ रखी है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, मतलब ए बी के सामने वाला एंगल ये और ये एंगल इक्वल होगा, अगर ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो मैं बोल सकता हूं एंगल बी इज इक्वल टू सी और वाइस वर्सा, सी इज इक्वल टू बी, इनवर्टर आप उसको उल्टा करो, तो अगर साइड इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होगी। और एक बेसिक और यूज होती है, 9 क्लास की बेसिक डिस्कस कर लेते हैं कि लॉकडाउन में शायद पढ़ाई हो नहीं रही होगी, टेस्ट पेपर लोड तो कर रहा हूं, कितने लोग सॉल्व कर रहे होंगे आई डाउट 50%। एक थ्योरम और है, ट्राइंगल में जो एक्सटीरियर एंगल बनता है, एक्सटीरियर एंगल कब बनता है, जब किसी भी साइड को प्रोड्यूस कर दे तो एक्सटीरियर एंगल बनता है, एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, अगर इसको 1 मानो इसको 2 मानो तो ये एंगल ए सी डी जो बना इज इक्वल टू एंगल 1 + 2, ये अपनी बेसिक होगी, अदरवाइज ये थोड़ा बहुत आसान, सबसे आसान थ्योरम तो यही लगती है, पर आ रही है, तो दो बेसिक यूज होगी, अगर साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, दूसरी एक्सटीरियर एंगल जो ट्राइंगल होगा वो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल होगा, तो ये मैंने बाद में समझा था, इससे अच्छा पहले समझा दिया ताकि मैं बाद में थ्योरम के बीच में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप एक रो में समझ लेंगे। अब देखिए थ्योरम कैसे लगेगी, मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, पहले कौन सा ट्राइंगल ए ओ पी, ठीक है, इन ट्राइंगल ए ओ पी प्रूफ फिंग लिखो या सिंपल लिखे प्रूफ, प्रूफ ओके, इन ट्राइंगल ए ओ पी, ए ओ पी मैं क्लास में भी आपको बोला था अगर सेंटर पे कोई एंगल ट्राइंगल बनता है तो रेडियस के कारण उसकी दो साइड हमेशा इक्वल होगी, तो आप देखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ पी OA और OP आपस में इक्वल होगी, क्यों, रेडियस है, O से जुड़े है, सेंटर से जुड़ी है, सर्कमफ्रेंस में कोई पॉइंट को जोड़ूंगा तो रेडियस मिलेगा, तो इन ट्राइंगल AOP OA इज इक्वल टू OP, कारण क्या पूछ सकते हैं आप, रेडियस या रेडियाई, रेडियस क्या है, अगर ये दो साइड इक्वल है तो ए OA का अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, कौन सा एंगल 1, और OP का अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है 3, तो एंगल 1 is equal to angle 1 is equal to angle 3, short में reason लिख देंगे, angle opposite to equal side, अगर side बराबर होगी opposite angle equal होगी, इसी triangle में हमारा दूसरी theorem लगेगी, आप देखिए इस triangle AOP की मैंने इस side को PO को produce कर रखा है, तो 5 exterior angle बन गया, तो 5 एक्सटीरियर एंगल इसके अपोजिट इंटीरियर में ही आ रहा है 1 और 3 आ रहा, तो हमारी थ्योरम लगी एक्सटीरियर इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, तो मैं लिख सकता हूं आल्सो एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 1 + 3, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 मानता हूं, तो 1 और 3 बराबर है क्योंकि मेरे पास 3 से मतलब नहीं है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो क्लियर कर देता हूं, 3 है यहां पे मेरे को 1 2 और 5 6 है मतलब है, तो मैं सारी क्वेश्चन में 1 2 और 5 6 रखने की कोशिश करूंगा, क्योंकि 1 और 3 बराबर है तो 3 की जगह 1 लिख सकता हूं, तो एंगल 1 यूजिंग इक्वेशन 1 एंगल 1 प्लस एंगल 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 1 प्लस 1 इज ट्वाइस ऑफ एंगल 1, यानी 1 प्लस 1 एंगल 2 लिख देना, एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 7। सिमिलरली Similarly, in triangle BOP, यहां भी देखेंगे OB
और OP सेम है, OP is equal to OP, अगर OB और OP सेम है तो इसके अपोजिट एंगल 2 और 4 भी आपके सेम होंगे, दैट मींस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, और इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल क्या है 6, एंगल 6 जो बराबर होगा 2 प्लस 4 के बराबर होगा, ऑल्सो यू कैन राइट सेम रेप्लिका है जैसा यहां पे, एंगल ऑल्सो एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, एंड एंगल 2 एंड 4 आर इक्वल, तो मैं 2 की जगह 4 लिखूं या 4 की जगह 2 लिखो सेम, पर मेरे को मतलब किससे 2 से, तो मैं 4 को रिप्लेस करूंगा, रिप्लेसिंग 4 बाय 2 बिकॉज़ 4 एंड 2 आर इक्वल, एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस 2, एंड एंगल 2 प्लस 2 एंगल 4 नहीं होगा, एंगल 6 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 2, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 3rd. इक्वेशन नंबर 2nd सेज, इक्वेशन नंबर 3rd सेज, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूं, adding equation 2 plus 3 left, जब equation add करेंगे तो left hand side होती है, right hand side होगी, तो left hand part इसका क्या है angle 5, इसका left hand part क्या है 6, तो angle 5 plus angle 6 right hand part and twice of angle 1 plus twice of angle 2, दोनों में 2 common है, angle 2 common निकाल लूं, ब्रैकेट एंगल 1 प्लस एंगल 2, अगर आप फिगर नोट करें एंगल 5 प्लस एंगल 6, एंगल 5 प्लस 6 ऐड करें तो मेरा एंगल ए ओ बी होगा, तो एंगल 5 प्लस 6 कैन बी रिटन एज एंगल ए ओ बी, एंड व्हाट इज एंगल 1 प्लस 2, अगर नोट करें एंगल 1 प्लस 2 ये पूरा एंगल दैट इज एंगल पी, और एंगल ए पी बी that is twice of angle APB, as proof of QOD. पर बेटा एक चीज याद रखिएगा, इसके तीन फिगर बनते हैं, अभी मैंने माइनर हाफ खोला, वैसे थ्योरम प्रूव हो गई पर बुक में तीन फिगर मेंशन है, और मैं चाहूंगा आपकी गाइड वाइड में मेंशन नहीं होते हैं पर इसमें तीन फिगर बनाना जरूरी, अगर कोई अच्छा टीचर कॉपी चेक करेगा तो नंबर काट सकता है, तीन फिगर सेम ऐसे ही होंगे, कोई नेमिंग नहीं होगा, आपको फिगर बनाना पड़ेगा, और लास्ट में लिखते हैं सिमिलरली फॉर फिगर 2 एंड फिगर 3, दिस थ्योरम आई हैव प्रूव फॉर फिगर 1, बस फिगर बनाने बाकी हमारा प्रूफ पार्ट हो चुका है, तो दस एंगल सबटेंडेड बाय आर गेट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल दैट इज सबटेंड ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल, तो आगे देख लेते हैं इसके तीन फिगर, दो फिगर और बनेंगे कैसे, फिगर ऑलरेडी है, कॉपी आप कर लेना, पॉज करके वीडियो कॉपी कर लेना, नहीं तो क्लास में पहले करा रखा, थोड़ा सा आपके रिवीजन के लिए मैं वीडियो लोड कर रहा हूं, तो बड़े बड़े बोला था इसमें तीन फिगर बना देना, प्रूव हो गए, बस मैं लास्ट में लिखता है सिमिलरली फॉर फिगर 1, 2 एंड 3, 1 के लिए तो हो चुका है, सिमिलरली फॉर फिगर 2 एंड 3 कैसे फिगर बनते हैं, सेम होगा, कोई टेंशन नहीं, इस बार आप नोट करें मैंने आर्क ए बी माइनर रखा था, इस बार आर्क ए बी मैंने मेजर कर लिया, मेजर अर्थ तब होता है जब एक आर्क सेमी सर्कल से बड़ा हो जाएगा, तो ये मेजर आर्क हो गया, ये माइनर हो गया, बाकी कोई चेंज नहीं है, सारा कुछ वही करना, पॉइंट का एंगल पहली बार सेंटर एंगल बनाना, तो इसको सेंटर से ज्वाइन कर देना, ये सेंटर का एंगल बन गया जैसे यहां हमने ज्वाइन किया था, फिर पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे, फिर कंस्ट्रक्शन में आप देखिएगा पीओ को ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर दिया था, इस वाले एंगल को मैंने नहीं आ रहा समझ में, एपीओ को 1 माना था, इसको 2 माना था, इस एंगल में डाउट होता तो ओएपी भी कर सकते, ओएपी ये एंगल हो जाएगा 3, सिमिलरली ये एंगल हो जाएगा 4, और ये एक्सटीरियर एंगल बन गया, क्योंकि साइड को प्रोड्यूस किया, ये हो गया मेरा 5 और ये हो गया मेरा 6, देखा से कोई दिक्कत नहीं, सारी वही थ्योरी है, OA is equal to OP, एंगल 1, सारी वही थ्योरी, यहां पे आप नोट करें तो ये डायमीटर है, तो ए बी इस बार सेमी सर्कल हो गया, कोई दिक्कत नहीं, वही चीज है, ए बी को पी से ज्वाइन करेंगे, ये ओ हो गया ज्वाइन पी ओ, और ये ओ ए हो गया और ओ बी हो गया, अगेन ये वाला एंगल 1 हो गया, ये वाला एंगल 2 हो गया, ये वाला एंगल 3 हो गया, ये वाला 4 हो गया, ये बन गया 5 और ये 6, तो आपको करना क्या है उसके बाद एक लाइन लिखनी, कौन सी, सिमिलरली फॉर
figure 2 and 3, angle AOB, angle AOB is twice of angle APB. फर्क कुछ नहीं है, एक में AB minor arc है, एक में AB major arc में और एक में AB semicircle arc. तो ये आपकी इस प्रकार से थ्योरम हो जाएगी. अब पूरी करिएगा, लग रहा है इस बार आ रही है. थैंक यू.